वीकेंड, शादियों का सीजन और दीगर तकरीबात का माहौल, शहर में ट्रैफिक प्लान का खुल गया पोल। लारीडा से शाहदरा मोड़ तक एक ही मंजर, गाड़ियां बम्पर टू बम्पर शहरी ट्रैफिक में फंस कर रह गई। लाहौर में कमर्शलाइजेशन पॉलिसी क्या होगी? लाहौर न्यूज ने इब्तदाई ड्राफ्ट की कॉपी हासिल कर ली। एलडीए ने आरजी और सालाना कमर्शलाइजेशन पर पाबंदी की तजवीज दे दी। मुख्तलिफ मकामात को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने की तजवीज। बल्दिया उस्मा मान गई, लाली अड्डा पर मुसाफिर खाना बनेगा। अराजी की मलकियत के मामला तय पा गए। अराजी की मलकियत बल्दिया उस्मा के नाम रहेगी। मुसाफिर खाने एक के बजाय दो मंजिला बनाए जाएंगे। तामीर की जिम्मेदारी एलडीए को सौंप दी गई। तामीर के रिवाज तखमीना लागत पर काम शुरू कर दिया। दिन ब दिन बढ़ते तजावजात और ट्रैफिक मसाइल की बड़ी वजह सामने आ गई। शहर के मुतादित कमर्शियल प्लाजों में पार्किंग की सहूलत भी मौजूद नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन के लिए 240 प्लाजों की फहरिस्त बना ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार मुफाद आमा के केसेस की समाअत के लिए शाम को भी बड़ी अदालत लगा ली। मंशा बम, नदीम बारा, एलडीए, यूसीएच समेत दीगर अहम केसेस सुने। कौन कौन जमानत पर, किस अदालत ने जमानत मंजूर की, कितने मुलजिम पकड़े? सुप्रीम कोर्ट में एलडीए सिटी मुतासरीन अज खुद नोटिस केस की समाअत। एलडीए सिटी कितनी कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर था? क्या कंपनियों के मफरूर मालिकान के रेड वारंट जारी किए गए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 15 दिसंबर तक तमाम रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई जारी है तो मुलजिम गिरफ्तार कर चुके नैब प्रोसिक्यूटर चौधरी खलीलुज़मान, इस तरह तो वो बच जाएंगे। मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म हम खुद देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पुलिस अफसरान की अकबरी स्टोर समेत जायदाद के तस्फिये के खिलाफ दरख्वास्त गुजार फौजी असमल का कमीशन की रिपोर्ट पर एतमाद का इजहार। चीफ जस्टिस का फरीकैन को रिपोर्ट की कॉपियां फराहम करने का हुक्म। पुलिस अफसरान ने जबरदस्ती प्रॉपर्टीज का तस्फिया कराया था। चार मीटिंग हुई हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरे को इंसाफ है यार, मैंने मरवान हुए लोगों को, कल उन्होंने मैंने कहा कि तू इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, थोड़ा जो है मेरे जिम्मत ही कोई शक नहीं, मैं रात ही जानना जी, मेरे बोझ बढ़ जाएगा मरण गए। वो देखो ना, लंदन पिकनिक मना रहे हैं 8 दिन। फवाद चौधरी 8 दिन से लंदन में पिकनिक मना रहे हैं। वजारत इतलात में आ जाओ, वजीर आजम ने पेशकश की है। शेख रशीद ने बता दिया, कहते हैं मुझमें हिम्मत नहीं दिन रात काम करूं। फवाद चौधरी को कहा है वापस आ जाओ। वजीर आजम वजारत की तब्दीली का कहें तो आपका क्या रद्दमल होगा? सहाफी का सवाल, मैं कहूँगा लव यू, थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद का जवाब, शेख रशीद के लिए वजारत छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, फैसला वज़ीर आज़म करेंगे, कौन बेहतर है? फवाद चौधरी का ट्वीट में रद्देमल। पीपल्स पार्टी के अलीमा खान के असासों की तहकीकात के लिए जेआईटी बनाने का मुतालिबा। कमर जमान कायरा ने कहा झूठे मुकदमात पीपल्स पार्टी का आवाम से रिश्ता नहीं तोड़ सकते, दावों से कुछ नहीं होगा, मशियत की बहाली के लिए हंगामे इकदाम करना होंगे। पीपल्स पार्टी ने कभी हुकूमत से रिलीफ नहीं मांगा। लाहौर की तरक्की सिर्फ एक इलाके तक महदूद थी, हम शहर के लिए मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। खरबों रुपए की अराजी वागजार कराई, साफ पानी की फराहमी अवलीन तरजीह। किसानों को गंदम के मामले में धरना नहीं देना पड़ेगा, इंतहाई सादा तबीयत का मालिक हूँ। खान साहब भी बहुत सादा हैं, शायद इसीलिए इन्हें अच्छा लगा। ऐसी कोई खूबी नहीं कि वजीर आला बनता। वजीर आला पंजाब की सहाफियों से गुफ्तगू। नैब टीम शहबाज शरीफ के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री शवाहिद के अलावा कुछ पेश नहीं कर सकी। शहबाज शरीफ के खिलाफ कमीशन किकबैक समेत कोई अहम शवाहिद पेश न हुए। डॉक्यूमेंट्री शवाहिद पर अदालत पहले ही जिस्मानी रिमांड दे चुकी। मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। आशियाना इकबाल केस में शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का 3 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी।
सांधा में मुबैना तौर पर डकैती मजाहमत पर 35 साल खातून कत्ल, मुलजमान घर से नकदी और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। पुलिस का कार्रवाई के बजाय मकतूला के भाई पर तशद्दुद, लवाहिकीन का इल्जाम, घर में कोहराम बरपा, हर आंख अश्क बार। डकैती मुजाहमत का एक और वाकया, सुंदर के पोश इलाके में जेवरात ना देने पर डाकू ने फायर खोल दिया, फायरिंग से 67 साल शख्स जख्मी, फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। सेल्स टैक्स अदा करो वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहो, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, सेल्स टैक्स अदा ना करने वालों की मॉनिटरिंग का ऐलान, इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दे दी। शेख साद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एहतजाज महंगा पड़ गया, एकेडमिक काउंसिल की डॉक्टर समेत 14 अफराद के खिलाफ कार्रवाई, यंग डॉक्टर्स के नायब सदर को एक माह के लिए तनख्वाह देकर नौकरी से बर्खास्त, 4 डॉक्टर्स को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म, पैरामेडिकल स्टाफ के 8 अफराद को भी मुअत्तली के अहकाम जारी। अब शहर की सफाई पर भी टैक्स लगेगा, घरों से कूड़ा उठवाना है तो शहरी पैसे दें, लाहौर का कूड़ा उठाने पर 20 अरब रुपए खर्च नहीं कर सकते, सफाई कंपनी खुद सारिफ से पैसे वसूल करेगी, महंगाई कम नहीं होगी, बर्दाश्त करना पड़ेगी, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने साफ साफ बता दिया। नायब अफसर बनकर अमरीवासा को धमकियां देने का मामला, इंतजामिया ने जूनियर क्लर्क जुल्फिकार अली के खिलाफ थाना काली मार्केट में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी, दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया कि मुअत्तल क्लर्क ने फोन करके तबादले का कहा। डीएचए स्टेट एजेंट्स के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर अलखिदमत ग्रुप की जानिब से इंतखाबी मीटिंग का अहतमाम, उम्मीदवार बराए सदर मियाँ तलत बोले प्रॉपर्टी बिजनेस से वाबस्ता अफराद की सहूलियात के लिए काम करेंगे, नॉन फाइलर्स और ओवरसीज क्लाइंट्स के टैक्सेस के मसाइल भी हल करवाएंगे। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े, कहा टीम में कोई भी खिलाड़ी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, टीम का फाइट ना करना कमजोरी है, खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी ना निभाई तो तब्दीली आ सकती है, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों मैच जीत सकते थे, टैलेंटर का पार्टनरशिप ना बनाना मसला है, इमामुल हक में टैलेंट नजर आया। अल्लाह ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर हम पर एहसान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह का सही तारुफ करवाया, कुरान पाक हम सब के लिए रोशन हदायत है, मौलाना तारिक जमील का ऐवान कायदे आज़म में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी लेक्चर्स, गवर्नर पंजाब ने कहा अल्लाह पाक ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ना होता तो ज़मीन ना होती, आसमान ना होता, कामयाबी का एक ही रास्ता है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल, मौलाना तारिक जमील ने लेक्चर के अख्ताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं कराई। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, गैर मुल्की रेसलर्स भी रेंजर्स के जवानों का जज्बा देखकर दहल गए, मिली नखमों की गूंज, ढोल की थाप ने और भी माहौल गर्मा दिया, फजा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी, रेसलर्स की रेंजर्स के जवानों की तारीफ, शुरका के जज्बे को सराहा, पाकिस्तान जिंदाबाद, लाहौर लाहौर के नारे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में सो स्पीकर एक चैंपियन के उनवान से तकरीरी मुकाबले, मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए, नन्हे मुकर्ररीन का वालेहाना अंदाज देख कर शुरका ने खूब दाद दी। लाहौर एक्सपो सेंटर में डॉग शो, जर्मन शेफर्ड कुत्तों की मालिकों के साथ कैटवॉक, पालतू लाडले जानवरों के नाज और नखरे देखकर शुरका दंग रह गए।
तजुर्बा अदाएँ, झुलमिल चेहरे, जगमगाते मलबूसात। फ्लैटिस होटल में ब्राइडल कटे और फैशन वीक का दूसरा रोज, रैम पर हसीन परियों के जलवे।